तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है इसका न्यूमरेटर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन जिसकी डिग्री 2 है। चूँकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो जो ये आपका फ्रैक्शन है, जो आपका फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन इज़ इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फंक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको इम्प्रॉपर फंक्शन मिलता है तो पहले आप उसे प्रॉपर बनाइए, ठीक है? तो प्रॉपर बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, दैट बिकम 2x प्लस वन, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन कुड बी रिटेन एज एक्स प्लस 2x प्लस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। फर्दर आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 2x प्लस वन अपॉन दैट हैव टू लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जैसे आप नॉर्मल करते रहते थे वैसे आप ये नॉर्मल करोगे। कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, तो देखिए दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वन एंड सम कांस्टेंट बी अपॉन एक्स प्लस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ए की वैल्यू आएगी आपकी ये 3/2 आएगी, और बी की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लोग एक्स प्लस 3/2 टाइम्स 1/x प्लस वन, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, एंड प्लस 1/2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन। इसको इंटीग्रेट करना था आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट गेट टू बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस विल बी गेट टू इंटीग्रेटेड। ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 एल एन मॉड एक्स माइनस वन एंड 1/2 एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स टाइम्स एक्स की पावर 4 माइनस वन डी एक्स, ठीक है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन कर लो, तो एक्स की पावर 4 अंदर से कॉमन आ गया, मतलब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1/x की पावर 4 डी एक्स, दैट मीन्स इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ
1 upon x की पावर 5 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 dx. अब हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका ये टर्म ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स की पावर 5 होगा. तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 4. तो दैट बिकम 0 एंड प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 5. दैट मीन्स 4 अपॉन एक्स की पावर 5. तो अगर हम लोग इसे एज्यूम करते हैं तो ये एक्स की पावर डी एक्स अपॉन एक्स पावर 5 आपका डी एक्स डी टी बन जाएगा. तो बड़ा नॉर्मल है ये क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो ये एबनॉर्मल लगेगा. तो इसका एक जनरल फॉर्मेट आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस प्लस कुछ इस टाइप का होता है. ये जनरल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है. 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं लेट. तो सिंपल सी बात है कि ये 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स डी टी बन जाएगा. दैट मीन्स 1 बाई एक्स की पावर 5 डी एक्स इट बिकम डी टी ओवर 4. अब ये क्वेश्चन जो आपका ओरिजिनल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपॉन 4 टाइम्स टी. दैट मीन्स दैट बिकम 1 बाई 4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इट बिकम 1 बाई 4 ln ऑफ mod t प्लस c, वेयर c इज़ ए इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट. तो हमें तो t तो मेरा वेरिएबल था, हम इसको रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल वेरिएबल से और 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस c. थोड़ा कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं, वैसे कोई नेसेसिटी नहीं है. एक्स की पावर 4 प्लस सी. अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है. यहाँ पे ये डायरेक्ट इंटीग्रेट भी नहीं हो रहा है, कोई इंटीग्रेबल फॉर्म नज़र भी नहीं आ रही है और हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ट्रिक मिल रहा हो जिसे हम कुछ रख पाए. तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप या तो e की पावर x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ताकि ये आपका पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर e की पावर x माइनस 1 पूरे को ही आप t एज्यूम कर लो या y एज्यूम कर लो, जो भी करना है. सपोज चलिए e की पावर x माइनस 1 को हम y एज्यूम कर ले रहे हैं लेट. तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर x dx dy बन जाएगा, लेकिन आपके पास तो dx की वैल्यू चाहिए. dx हो जाएगा आपका dy अपॉन e की पावर x, मीन्स e की पावर x वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 प्लस y. तो प्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx बिकम 1 अपॉन y एंड dy ओवर 1 प्लस y. अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा. तो a अपॉन कुछ y प्लस b अपॉन 1 प्लस y dy. अब ये सब a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और जो बी की वैल्यू है इट टर्न आउट टू बी -1। डी वाई तो ये एल एन मॉड वाई हो गया माइनस एल एन मॉड 1 + y प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। प्रॉपर्टी लगा के हम थोड़ा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y अपॉन 1 + y होल मॉड प्लस सी। वाई था क्या आपका e की पावर x -1 तो e की पावर x -1 ये हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस सी।